हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। सो आपसे भी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। CSIR UGC नेट के फॉर्म्स आ चुके हैं। 10th मार्च को फॉर्म आ गए थे, आपके पास में पूरा एक महीने का वक्त है। 10th अप्रैल तक सारे फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे। करेक्शन विंडो 12 तारीख को ओपन हो जाएगी, यानी कि 12 अप्रैल को, तो लगभग एक हफ्ते करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिलअप करिएगा ताकि करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। अपने जो भी इमेजेस आप लोग अपलोड करिएगा, सिग्नेचर अपलोड करना या जो भी डिटेल्स आप अपना डालिएगा, जेंडर या अगर आप कोई भी कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, PWSC ST OBC जो भी, तो आप सभी लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को तैयार भी रखिएगा और बहुत ही ध्यान से अपने इन सारे फॉर्म को, इन सारे सेक्शन को ध्यान से भरना। दरअसल CSIR UGC नेट का जो फॉर्म होता है, बेसिकली साइंस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिन्होंने जूलॉजी, जिनका पेपर टू होता है, बोटैनी होता है, लाइफ साइंस या केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, उनके लिए CSIR UGC नेट का प्रावधान है। यानी कि आपका जितने भी साइंस से संबंधित विषय हैं, वो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना अप्लाई किया हो, जब बीटेक वगैरह अगर उन्होंने करके रखा है या MSc करके रखा है, मास्टर ऑफ साइंस, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्स मैं आपको इसका शेयर कर दे रही हूँ। UGC के जो नए फॉर्म्स हैं वो अप्रैल में आएंगे, यानी कि जितने भी आपके 84 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होते हैं साइंस के अलावा, जिसमें आपके मेजरली कॉमर्स के आ जाते हैं, एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी एग्जामिनेशन है साइंस के अलावा, उन सभी के फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं। ये CSIR UGC नेट का फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट CSIR UGC नेट। मैं एक बार आप लोगों को डिटेल्स शेयर कर दे रही हूँ और ये वीडियो सभी से शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं होता है साइंस स्ट्रीम वाले, वो वेट करते रह जाते हैं, फॉर्म आता है और चला जाता है। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आप, ठीक है आप UGC नेट के आप एप्लीकेंट्स हैं, बट फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है कि CSIR का फॉर्म आया है तो आपके कोई इर्द गिर्द अगर कोई दोस्त हैं, कोई आपके मित्र हैं, तो आप उनसे ज़रूर से शेयर करिएगा इस वीडियो को। मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ स्क्रीन से, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या कुछ आपका पैटर्न रहने वाला है इस बार। ये नोटिस आई थी 10 मार्च को और यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप जो प्रोसेस है वो 10 मार्च को शुरू हो गया है, 10 अप्रैल तक रहेगा, लगभग एक महीना। लास्ट डेट जो है फीस की पेमेंट करने की वो भी 10 अप्रैल ही है। करेक्शन विंडो आपका 12 से 18 तक, यानी कि एक हफ्ते के आसपास लगभग करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है। एग्जाम की डेट्स भी इन्होंने अनाउंस कर दी है, 6, 7, 8 को है, 6, 7, 8 जून को। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT है। अगेन जो आपका एग्जामिनेशन होगा 3 घंटे का होगा और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये सारे आपके पेपर्स हैं। अगर इसमें से कोई आपका पेपर है ऑप्शन 2 तो आप देख सकते हैं, आपका मतलब पेपर 2 अगर आप में से इसमें से कोई भी एक है तो आप डाल सकते हैं। बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश ने दोनों ही लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थोड़ा सा नीचे आ जाना है आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में, इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जून का रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है, दिसंबर जून का, आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पूरा जो फॉर्म का फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो लोड ले लेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में आप अपने डिटेल्स को और पूरा आप इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी है डाउनलोड कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। फीस देख लीजिए क्या है, जनरल की फीस है 1100 रुपये, जनरल EWS OBC की फीस है 550 रुपये, 275 रुपये SC ST जेंडर के लिए, और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसको आप भर लेना, देख लेना और ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पे टिक करके आप प्रोसीड कर लीजिएगा। फिर अपने बेसिक डिटेल्स को आपको फिलअप करना है, वो सारी चीज़ें आप खुद ही, इसके पहले भी आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। इसके पहले जो बहुत सारे फॉर्म्स में यही तरीके से ही आपको मतलब फिलअप करना होता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें कोई डिटेल आप लोगों को शेयर नहीं करना है। बस ये याद रखिएगा कि अपना पासवर्ड आप याद रखना और अपना एप्लीकेशन नंबर अपने माइंड में रखना, क्योंकि आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से ही आप अपने एडमिट कार्ड को, बाकी और चीज़ों को फ्यूचर में एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें भी पेपर 1 की जो प्रिपरेशन होती है बहुत ही कॉमन तरीके से, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा ही रही हूँ, अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को PDF भी शेयर करती हूँ, सारे अपडेट्स, डिटेल्स, क्लास की सारी चीज़ें। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से भी आपको बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे आप, सारी चीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यूट्यूब के माध्यम से नहीं भी दे पाती हूँ, वो मैं टेलीग्राम पे सारी चीज़ें पोस्ट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारा नया बैच जो है पेपर 1 का, वो 20 मार्च के आसपास शुरू होने वाला है। UGC नेट के भी फॉर्म्स आ ही जाएंगे अप्रैल में, तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। कॉमर्स है पेपर 2 मेरा, मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं कॉमर्स में तो आप कॉमर्स में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी तैयारी रखिए। और जो आपके आंसर कीज़ हैं, जो अभी आपका करंट एग्जामिनेशन चला है, आंसर कीज़ भी आपके एक्सपेक्टेड है कि 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में आपके आंसर कीज़ भी आ जाएंगे, रिस्पॉन्स शीट आपको शो कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।